अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, खुश रहे। आज की क्लास है आईफोन के बारे में, ठीक है? प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ठीक है? डिस्प्ले भी दिखा रहा हूँ मैं पीसी की, और फ़ोन भी दिखा रहा हूँ। ये आईफोन 11 है, ये आईफोन एक्स है, ठीक है? दोनों डिसेबल है। सबसे पहली वाली क्लास कौन सी होगी हमारे पास? हम इसकी फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं, फ्लैशिंग कैसे करते हैं, डिस्प्ले वाला लॉक कैसे कर देंगे, इसका FMA ऑन जो होगा, अंदर जो आईक्लाउड है उसका क्या सीन होता, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं? 11 को, ठीक है ना? ये लिख लीजिए, ये 11 है। सबसे पहले इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ, ठीक है? ये मैंने स्विच ऑफ कर लिया, वैल्यूम डाउन। और ये अब इसको हमने रिकवरी के पे कैसे लाना है, वैल्यूम डाउन और आना स्विच दबा के रखूंगा मैं जब USB डालूंगा। ये देखो दोनों मैंने दबा के रखे हैं, ठीक हो गया? ये देख लीजिए आप, मैंने छोड़ना नहीं है, दोनों वैल्यूम डाउन और आना स्विच आ गया ना रिकवरी पे। फोन को मैंने ऐसे रखना है, ठीक है? उससे पहले हमने क्या करना है, गूगल से डाउनलोड करना है। गूगल से हमने डाउनलोड करना है या 3U टूल, ये वाला जो है ये 3U टूल डाउनलोड करना है, या iTunes, इन दोनों में से कोई कर लो। दोनों में मैं बता दूंगा कैसे हम करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम जाएंगे iTunes पे। iTunes में जो हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करते हैं, अगर हम अपडेट कर लेंगे तो इसका जो पासवर्ड है वो खत्म नहीं होगा। हमने रिस्टोर पे क्लिक करना है, पासवर्ड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये करना है, ये देख लीजिए इसमें ऑलरेडी फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी है, तब ये हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, इसी की फाइल जो हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, इसकी फाइल नहीं मिलती है, उसको हमने 3U टूल से फ्लैश करना है, उसी फाइल से। देखो हमने इस फोल्डर में जाना है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या सीन होता है, यहाँ पे मसला होता है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इस पे गए हम शो, यहाँ पे जो ये हिडन है ना, देखो ये हाइड हो गया, ठीक है? अब फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे, सॉरी, शो, यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा। देखो ये ऐप डाटा आ गया ना, ये देख लीजिए, लास्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको एप्पल कंप्यूटर, ठीक है? उसके बाद आईट्यून्स आ गया यहाँ पे, उसके बाद ये आ गई आपकी फाइलें। दो फाइलें मैंने की है, आईफोन एक्स की, आईफोन 11 की। इनको अब सीधा कॉपी कर लो, यहाँ पे भी रख लो, आईट्यून से भी कर सकते हो अगर कॉपी करना चाहो। जैसे मैंने कॉपी करके रखा है इस वाले फोल्डर में, किस में? गूगल चाचा फोल्डर में, इस वाले में, ठीक है ना? अब मैं इसको 3U टूल से भी कर लूँगा, ठीक है? अब 3U टूल से कैसे करेंगे, सॉरी, चलो इसका मैं 3U टूल से चेक भी कर लूंगा। FMI ऑफ कर लिया हमने इसका, फिर भी एक बार हम 3U टूल पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। 3U टूल हमने पहले क्या करना होता है, गूगल से डाउनलोड, सीधा 3U टूल लगा आ जाएगा, ठीक है? हम कर लेंगे इसका जो ये सीरियल नंबर है, डबल क्लिक करके कॉपी हो जाएगा ये, ठीक हो गया? उसके बाद हमने चेक आईक्लाउड स्टेटस, ये जो है अनलॉकर, यहाँ पे हमने इसको चेक करना है, आईक्लाउड तो नहीं लगा, ठीक है? यहाँ पे हम चेक करते हैं, ऑफ है, ठीक है ना? इसको हमने ऑफ कर लिया, अब कोई सीन नहीं है, कोई आईक्लाउड इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अब देखें आप यहाँ पे, ये आपके सामने 3U टूल है, ठीक है? अब हम यहाँ से जाएंगे गो फ्लैश पे, या यहाँ से जाओ, एक ही बात है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने, देखो हमने इससे तो डाउनलोड की नहीं, अगर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सीधा यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं फाइल को। देखो आईफोन 11 प्रो मैक्स की है मेरे पास, इसकी फाइल नहीं है, ठीक है ना? इसमें तो यहाँ से ये जल्दी लोकेशन देता अपनी, तो आईट्यून नहीं देता। आईट्यून में जो फाइल मैंने डाउनलोड की है वो मैंने रखी है कहीं पे, मैंने रखी है वो डेस्कटॉप पे, गूगल चाचा फोल्डर है, यहाँ पे देखना आईफोन 10 है, आईफोन 11 ये फाइल है, ठीक है? ये देख लीजिए वर्जन इसने बता दिया, 15.2 है ये फाइल, ठीक है? ये कितनी GB है, सारा कुछ इस पे क्लिक करना है।
अब हमने अगर इसको ऐसे फ्लैश कर लेंगे ना, इसका स्क्रीन लॉक नहीं जाता, कोई फ्लैश मोड भी अच्छा रहता है, यहाँ पे क्लिक किया कर लें आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ्लैशिंग, यहाँ पे फ्लैश कर लो बस। यहाँ से मैं थोड़ी बहुत स्पीड कर लूँगा क्योंकि नहीं तो काफ़ी टाइम खाएगा। उसके बाद मैं आपको iPhone X भी करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, इसको होने देते हैं तब तक, ठीक है। इसको मैं नीचे रखता हूँ। अब मेरे पास एक और फ़ोन था, iPhone X था। देखता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये iPhone X है, ठीक है। इसको भी वैल्यूम डाउन और आना दबा के मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब वैल्यूम डाउन और आना, अगर होम की वाला होगा ना, उसको खाली होम की दबानी पड़ती है तब जाके वो रिकवरी आता है, इनको होता ही नहीं है। इसको वैल्यूम डाउन और आना दबा के रखो और USB डाल लो, ठीक है। जब USB डालता हूँ मैं, उसके बाद ये रिकवरी मोड पे आना चाहिए, तब ये कनेक्ट होगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो अलग अलग कर लेता। मैं देखता हूँ एक ही बार मैं दो मोबाइलों को रिसेट मार सकता हूँ या नहीं। एक तो मैंने थ्री टूल में लगा लिया, दूसरा iTunes में लगा दूंगा, ठीक है। सही हो गया ना। अब यहाँ पे iTunes ने इसको बोला है रिस्टोर करने के लिए, ठीक है भाई। तो इसकी भी फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी, या गया, इसमें ऑलरेडी फाइल है। अगर इसकी फाइल जो है ना, अगर इसकी फाइल हमने डाउनलोड करनी होगी, यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जो लेटेस्ट फाइल होती है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। तो आप USB निकाल भी सकते हो जब डाउनलोडिंग पे लग जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद USB इन कर लो, फ्लैशिंग करना खुद स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद ये इंस्टॉल कर देगा इसमें, ठीक है ना। तो दोनों फ़ोन मैंने एक साथ लगा दिए। आप यहाँ पे देखो, ये वाला फ़ोन भी है और ये वाला फ़ोन भी है, ठीक है। दोनों फ़ोन मैंने लगा दिए, एक ही PC पे दोनों फ़ोन लगा दिए, ठीक है। तो ये टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आपका टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये था पहला वाला जो आपको मैं बता दिया, आईफोन। पहले हमने सीरियल कॉपी करके या IMEI कॉपी करके उसको FMI चेक किया कर लो, ऑन है तो फिर ये iCloud पे आ जाएगा। iCloud आपको पता होना चाहिए, उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर ऑफ होगा तो बिंदास आप फ्लैशिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लैशिंग किस तरीके से डाउनग्रेड कर ही नहीं सकते हो। जो फाइल यहाँ पे आ जाती है ना, iTunes में डायरेक्ट आ जाती है, पुरानी आती नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आ जाती है, कहाँ पे, यहाँ पे जो आ जाती है, वही फाइलें आप डाउनलोड किया कर लो। बाहर वेबसाइटों से फाइलें मत डाउनलोड किया कर लो, ठीक है। वो चढ़ती नहीं है, ऐसे ही MB खत्म हो जाती है, ठीक है। फोन आपका डेड शेट बिल्कुल भी नहीं होता, एरर आ जाता है सीधा ही, बस वो जो हम फाइल डाउनलोड करते हैं ऐसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। बाकी जो हम इससे थ्री टूल से जब वो सॉरी iTunes से हम फाइल को ही डाउनलोड करते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया वो कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो थ्री टूल की तो आराम से हम मिल जाती है, iTunes की आप मुझे बोल रहे थे मिलती नहीं है। अगर हम थ्री टूल में उसकी फाइल कर लेंगे, अगर आप यहाँ से फाइल डाउनलोड करते हो ना, फिर इसमें फ्लैशिंग करते हो, बिल्कुल लग जाती है सेम फाइल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको वहाँ पे भी रखा करो, तो दूसरे फोल्डर में कॉपी करके रखा करो, कोई इशू नहीं है। पर इसकी फाइल जो है ना, ज़रूरी है उसी वाले फोल्डर में। देखो, अगर मैं इससे कोई फाइल डाउनलोड करूँ, इससे थ्री टूल से मैं कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं उसको iTunes से फाइल फ्लैश करूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी करना है फाइल, इसके जहाँ पे लोकेशन है उसको कहाँ पे डालना है, ये वाला फोल्डर ओपन करना हमने,
ये वाला फोल्डर ओपन करना है, ये इसमें जाना है, इसमें जाना है, ठीक है, एप्पल कंप्यूटर में जाना है, उसके बाद आपने कहाँ पे जाना है, आईट्यून में जाना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, वो खुद ब खुद ले लेगा। समझ गए आप? इतना तो आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे iPhone 11 और iPhone X दोनों हो रहे। देखो यहाँ पे 60% आ गया, यहाँ पे वेटिंग फॉर आईफोन कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए दोनों फोन आपके सामने, ठीक है दोस्तों। बैक साइड अगर देखना चाहते हो, बैक साइड भी आपको बता दूंगा, सेटअप भी करके दिखा दूंगा उसके बाद, ठीक है। इनको होने दो। उसके बाद अगर आप कोई भी फोन, मतलब इसी फोन का भी आपको बाईपास करना चाहते हो, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको ये जो पासवर्ड होता है, डिसेबल होता है कोई फोन हमारा, उसको हमने रिमूव कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये पहली वाली वीडियो आपको मैंने बता दिया, सबसे बेटर अच्छे वाले टूल थ्री टूल है और आईट्यून है, ठीक है। आईट्यून में दो ऑप्शन आते हैं, अपडेट खाली कर लो, पासवर्ड वैसा का वैसा रहेगा, रिस्टोर कर लो, फिर पासवर्ड खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए जी, हो रहा है। ये वाला जो है iPhone 11, ये लग रहा हो गया। अब यहाँ पे ये जो iPhone X है, इसकी रिस्टोरिंग iPhone सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये मतलब अगर मैं कहीं पे कोई मिस करता हूँ कुछ बोलना, तो आप अगर मुझे कमेंट करके बता दोगे ना, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं फिर उसके लिए वीडियो लाता हूँ। तो आप जब बोलोगे, क्लास पे आप मुझे बोल रहे थे आईफोन के हमने स्टार्टिंग से करना है, स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला है, आपने गूगल खोलना है, ठीक है ना। जैसे मैं गूगल खोलता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ थ्री यू टूल, वो लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड कर। तो आईट्यून जब डाउनलोड कर लोगे आप, आईट्यून अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा तो 15 पॉइंट लेटेस्ट वर्जन चढ़ाएगा ही नहीं है। आपने कहाँ पे जाना है, हेल्प में जाना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट है, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो आईट्यून को, ठीक है ना। और थ्री यू टूल को कहाँ से अपडेट कर सकते हो आप, ये नीचे लिखा है चेक अपडेट, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों टूलों को आप, ये आईफोन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब फर्स्ट क्लास है, काम अच्छा करते हैं। और आईट्यून में तो चलो आप यहाँ पे खाली रीसेट मार सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यू टूल पे ना आप डिस्प्ले शो कर सकते हो, बाकी बहुत सारा कुछ कर सकते हो। चलो इसने अपना काम कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब ये फ़ोन कनेक्ट कर लेगा ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमने कौन कौन सी फाइल डाउनलोड करनी होती, समझ गए आप। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, iPhone X का मैंने सीरियल पहले ही चेक किया था, उसका भी FM ऑफ किया था पहले, उसके बाद ही मैं इसको फ्लैशिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने iPhone X को करवाया था। देखो अभी फाइल इसमें चढ़ा रहा है, वहाँ से काम खत्म हो गया, वहाँ का अगर हम क्लोज भी कर लेंगे ना थ्री यू टूल, कोई मसला नहीं, ये अब फाइल इसमें इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो बाकी iPhone X हो रहा है अभी, मुझे उम्मीद है आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, फोन कनेक्ट होने दो यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। जो यहाँ पे जो भी कोई फोन आप कनेक्ट करते हो ना, चाहे हेलो पे होगा उस पे कनेक्ट कर लो, चाहे आप डिसेबल होगा तो रिकवरी पे कनेक्ट कर लोगे, यहाँ पे जब जाओगे ना, जो जो फाइल यहाँ पे आती है ना, वही डाउनलोड किया कर लो। बेटा जो आता है ना, बेटा होता है टेस्टिंग पे, वो फाइल मत चढ़ाया करो, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मत चढ़ाया करो, बाकी जो मर्जी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। थ्री यू टूल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद रहा आईट्यून, आईट्यून सीधा ही वही फाइल डाउनलोड करता है जो फाइल लेटेस्ट होगी, वो पुरानी करेगा ही, ठीक है। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं ना फाइल, मसला ये देख लीजिए, जैसे ये ओपन हो गया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला कर दिया इसने, ये रिमोट दोबारा लगाता हूँ मैं, ये देख लीजिए,
इसने 14.2 भी बता दिया, 14.1 यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ से फिर इंपोर्ट करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये डाला, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीन होता है इसका। चलो इस वाले को होने दो, तब तक मैं ये वाला आपको सेटअप करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आ गया इंग्लिश इंडिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे हमें वाईफाई कनेक्ट करने की ज़रूरत है, नेक्स्ट तो होगा ही नहीं। देखता हूँ वाईफाई के बिना होगा या नहीं होगा, सिम शिम तो पड़ी है ही नहीं। हाँ बिल्कुल हो गया सेटअप, कोई इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है यार, मज़ा आ गया। चलिए जी, ये चीज़ भी मुझे पता चल गई, पहले मैं वाईफाई कनेक्ट करता ही था पक्का। यहाँ पे एग्री करता हूँ, एग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं नॉट नो, डिसेबल सेटअप लेटर, डोंट शेयर, कंटिन्यू कंटिन्यू, उसके बाद स्टार्ट। ये आपका फ़ोन आ गया, ठीक है। ये आपके फ़ोन का कैमरा आ गया, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये फ़ोन है वर्किंग, ठीक है। ये आईफोन कौन सा है, आईफोन 11, इसका काम ख़त्म कर लिया हमने, फ़ोन ओके कर, ठीक है। इसमें कोई आईक्लाउड नहीं, कुछ नहीं, नया डाल सकते हैं हम इसमें, ठीक है, नया डाल सकते हैं हम, उसके बाद ये चल जाएगा फर्स्ट क्लास जो भी था, ठीक है। ये हो गया। तो एक फ़ोन में मैंने आपको, एक वीडियोस में मैंने आपको बता दिया 3U Tool का काम ख़त्म। अभी आईट्यून है, आईट्यून पे अभी काम चल रहा है आईफोन एक्स का, ये भी हो जाए तो ये भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसका मैंने आपको FMI ऑफ नहीं चेक करवाया, वो भी करवाता हूँ अभी मैं, जब ये हेलो पे होगा। डिसेबल पे जब भी कोई फ़ोन होता है ना, तो सबसे पहले आप IMEI या सीरियल नंबर से आप एक बार चेक किया कर लें इसमें FMI ऑन है या ऑफ है, ठीक है। ये क्या बता दिया इसने, अच्छा हो गया, कर दिया इसने। देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं चेक आई क्लोड स्टेटस, ठीक है। पहला वाला जब आ जाता है ना, पहला वाला, ये इस पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आई क्लोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं 3U Tool ओपन करता हूँ क्योंकि इसको ऑन होने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आईट्यून की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने फाइल इसमें डाल दी। अब ये करेगा इंस्टॉल फाइल जो इसमें डल गई ना, अब ये वही फाइल इसमें इंस्टॉल कर लेगा। अब 3U Tool की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये खुद से इसमें इंस्टॉल कर लेगा फाइल। तो जब भी आप कोई फ़ोन फ्लैशिंग करते हो ना, 50% होनी चाहिए चार्जिंग बैटरी, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे जब फाइल चढ़ती है ना, यहाँ पे पहुँच जाता तो फ़ोन अगर कभी स्विच ऑफ हो जाता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रिकवर करना, कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, जैसे मैंने गूगल खोला है, फिर से एक बार आपको ट्राई करवाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 3U Tool, ठीक है। कौन सा भी जो भी होगा आपके पास, कौन सा विंडो है, यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लो, बस इंस्टॉल कर लो, काम खत्म हो गया। अब अगर हमें आईट्यून चाहिए, आईट्यून डाउनलोड, यहाँ पे सीधा क्लिक कर लो आप, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताएगा आपका PC 32 बिट मत है, 64 है, मेरा 64 है, मैं इस पे करूँगा। आपके अगर 32 है तो यहाँ पे क्लिक करके बस इंस्टॉल कर लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं फ़ोन को पहले कनेक्ट करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इसका हम चेक करते हैं
फिर से एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कनेक्ट। यहां से आई में नंबर या सीरियल नंबर डबल क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो आराम से। ठीक है, कॉपी किया मैंने, उसके बाद मैंने ये खोला, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या बता रहा, क्या हो गया इसको। ये पेस्ट किया मैंने, चेक। ऑफ हो गया ना, ठीक है ना। अगर ये ऑन होता तो इसका मतलब इसके अंदर आई क्लाउड है, यहाँ पे आई क्लाउड पे अटक जाता है, ठीक है ना, तो वो ख़त्म है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन ही नहीं आया, उस वाले में आया था, मुझे लगता है उसमें सिम नहीं थी, इसमें सिम में इसलिए बता रहा है। चलो कोई नहीं, करते कनेक्ट। कनेक्ट करके देखता हूँ मैं कहाँ पे जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो भी ये टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जब भी इस फोल्डर में जाओगे ना आप, अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है, आपने व्यू पे क्लिक करना है, शो पे क्लिक करना है, इस चीज़ पे क्लिक करके रखना है, तब जाके ये ऐप डाटा आता है। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे क्लिक करना है, उसके बाद एप्पल कंप्यूटर पे क्लिक करना है, उसके बाद आईट्यून पे क्लिक करना है, उसके बाद आईफोन सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, ये आईट्यून की फाइलें जो आपने डाउनलोड की है, इनको यहाँ से कॉपी करके जैसे किसी भी फोल्डर में रख के आप थ्री ओ टूल से कर सकते हो, समझ गए आप। चलिए जी, यहाँ पे इसको मैं सेटअप करता हूँ, ये हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ, फॉरगेट क्लिक करता हूँ, तीसरे नंबर पे डोंट यूज़ करता हूँ मैं, एग्री करता हूँ मैं, कंटिन्यू, नॉट नाउ, डिसेबल, शेयर, कंटिन्यू, कंटिन्यू, स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो चलिए जी, देखता हूँ मैं सिम चलती भी है या नहीं चलती है, पता नहीं किसकी है, बीच में थी, कॉल कॉल भी लग रही है फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए जी, दोनों का काम ठीक हो गया। ये दोनों फोन है, ठीक।